वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज एमपी में और आपके साथ मैं हूं तनु। मध्य प्रदेश में मामा पिछले 15 सालों में विकास की गाथा जो आम जनता को बता रहे हैं वो विकास रास्ते में अटकी नजर आ रही है, क्योंकि जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां करती है। विकास के बड़े वादे करने वाले मामा के राज में विकास कोसों दूर तक नहीं दिखता है, तो जो दिखता है और चुभता है वो हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। ये स्कूल देख रहे हैं आप, ये मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के आदिवासी बहुल घसौर ब्लॉक का प्राइमरी स्कूल है। इसकी छत को देखिए जरा, जिस हिसाब से इसकी दरारों से पानी निकल रहा है उस हिसाब से तो इसे छत कहना ही लाजमी नहीं। ये बच्चे छाता लिए बैठे हैं, सोचिए जरा क्या पढ़ाई कर पा रहे होंगे, इनका ध्यान कहाँ होगा, मास्टर की बातों पर, छत से गिरते पानी से गीली होती किताबों पर या हाथ में पकड़े छाते पर। हमारे पास तो जवाब नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री जी हमें पक्का पता है कि आपके पास इसका कोई ना कोई जवाब जरूर होगा। भगवान ना करे कि कभी ऐसा हो, हमारी कामना है कि हमारे शब्द खाली चले जाएं, लेकिन जरा सोच कर देखिए जिस छत के लेंटर इतनी दरार पड़ गई है कि पानी टपकने लगे उस छत को गिरने में कितना वक्त लगेगा, सोचिए जरा। परेशान बचपन दिखाती है तस्वीर, किसी दर्दनाक हादसे में बदल जाए तो क्या होगा, सोचकर ही रूह कांप उठती है। ये तो सिर्फ एक तस्वीर है, हम दिखाने पर आएंगे आईना तो शर्मा जाएंगे साहब। ये जो कच्चा रास्ता है ना मामा, इस पे गाड़ी चलना तो बहुत दूर की बात है, मजबूरी और जरूरत के वक्त इस पर एम्बुलेंस तक नहीं चल सकती है, बीमार इंसान को खाट पर लिटाकर हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। वैसे माफ कीजिएगा, कहीं ये वही सड़क तो नहीं जिसका जिक्र 24 अक्टूबर 2017 को आपने अमेरिका में ये कहते हुए किया था कि मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से बेहतर है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रहने को ये ख्याल अच्छा है। कुछ ऐसा ही है मध्य प्रदेश की जनता के साथ भी, जिससे मालूम तो सब है लेकिन फिर भी पिछले 15 साल से वो सीएम शिवराज के विकास की बाट जोहे बैठे हैं और हर बार मन में बिना किसी खोट के आपको वोट देते हैं। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मध्य प्रदेश की तमाम ताजा खबर जानने के लिए आप देखते रहें वीके न्यूज।